अभी मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी लेके आ गई हूँ रूम में, और बहुत गर्मी हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों इतने दिन से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। मतलब मैं इतना सो रही हूँ उस टाइम पे, मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है, दिन भर नींद आती रहती है मुझे। अब इतना सोऊंगी तो कैसे काम चलेगा। और इस टाइम पे मुझे प्रमोशन वीडियो बहुत सारे करने हैं और मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। और अब टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि ये भी मेरा काम है। और आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बोला था कि दी आप है ना, अगर अपनी ब्लॉगिंग है ना कुकिंग करते टाइम भी कीजिए, ये भी करिए वो भी करिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि उस टाइम पे ये होता है जल्दी जल्दी करना, तो उस टाइम पे कैमरा वैमरा सेट करने का वो नहीं होता है, इस वजह से नहीं हो पाता है पॉसिबल। वरना मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को दिखा सकूँ, सारी चीज़ें कर सकूँ। आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते हैं गर्मी में जब आप लोगों को नींद आती है? क्योंकि मैंने चाय छोड़ी है तब से मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जब से मैंने चाय छोड़ी है तब से मुझे नींद बहुत आने लगी है, भूख लगने लगी है। और जब मैं चाय कॉफ़ी पी रही थी तो मेरी नींद और भूख ख़त्म हो चुकी थी। अब मुझे ना इस टाइम पे नींद और भूख दोनों लग रही, क्योंकि मैंने चाय छोड़ दी है, चाय और कॉफ़ी। लेकिन कॉफ़ी मैं पी रही हूँ, कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि काम भी करना है, अपना प्रमोशन वीडियो भी करनी है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी भी है इस टाइम पे। तो कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, फिर देखती हूँ। मैं अपना वीडियो कंप्लीट करना है और हो सकेगा तो ये वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। तो मैं अपने दाल चावल लेके ऊपर आ गई हूँ। और आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत शूट कर लिया करो, तो जितना कर पा रही हूँ मैं उतना शूट कर रही हूँ, और जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं पूरा शूट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप तक वीडियो पहुँचे पहुँचे। और एक दिन मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मैगी बनाई थी, और मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यारे हैं, और मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। और क्या बोलूँ मैं आपको, आप वीडियो तो देख ही रहे होगे है ना, मुझे पता है आप वीडियो देख रहे होगे, तो मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। और बस इतना बोलूँगी, अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पे खाना। आप लोग सोच रहे होगे कि जी हमारे लिए ब्लॉग बना रही हूँ कि जीजू के लिए बना रही हूँ, है ना? आप लोग यही सोच रहे होगे कि जीजू कहाँ है क्या है, तो वो बाद में पता चल जाएगा, आप लोगों को सब बताऊँगी। और अभी कुछ कपड़े थे जो इनके मतलब धुले थे, आयरन के लिए देना है, तो वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा सही कर दूँ और फिर उसके बाद आयरन के लिए दे दूँ। मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, पर ये कुछ ऐड नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं, आप लोग चाहते हो डेली रूटीन देखना तो वो शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा डेली ब्लॉगिंग का है चैनल, तो वो शेयर जरूर करूँगी मैं पक्का, है ना? तो चलो पहले मैं दाल चावल फिनिश कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जस्ट अब मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर के लिए रेडी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं रेडी होने के। तो आप लोग मुझे साड़ी में देखना चाहते थे, चेंज करेंगे। और इस मंदिर में बहुत मान्यता है, बोलते हैं सच्चे दिल से कुछ भी आपकी अरदास है वो ज़रूर पूरी होती है, इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया आप सबके लिए, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और अपनी लक्ष्मी को यूं ही प्यार और सपोर्ट दीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए जितना हो सके। और आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स यानी कि वीडियोस पसंद आ रहे हो, पसंद आ रहे हो तो क्या करना है, लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, और कमेंट्स तो आप सबके बहुत आ रहे हो, उसके लिए दिल से आभार है आप लोगों को कि आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो। तो चलो मैं तो ये वाला वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी और वीडियो मेरे कंटिन्यू नहीं जा पा रहे, उसके लिए सॉरी। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कंटिन्यू मेरे वीडियो जाए, आप लोग पूरी समझ सकते हैं मेरी कंडीशन,
और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद आऊँगी, नाश्ता वास्ता करूँगी और फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। पापा को भी फ़ोन नहीं किया मैंने, तो पापा को भी फ़ोन कर लेती हूँ। उसके आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बोला, कहीं दीदी आप अपने पापा को तो नहीं भूल गई हो? शादी के बाद तो ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चे है या कोई भी अपने को नहीं भूल पाता। तो मैं अपने पापा को नहीं भूली हूँ, तो चलो मैं अपने पापा को कॉल कर दूँ।